हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जेबी से कि आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 6 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। आज आपका वोकैब डे 96 है, ठीक है। तो काफ़ी दिन हो गए, जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख ले, उसका नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिविजन कीजिए, ठीक है। और वीडियोज़ को हमेशा अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में एक वोकैब टेस्ट होता है और अगर उसको आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको वर्ड्स रिटेन करने में आपको दिक्कत होगी। तो अंत तक देखिए, जितना आप यहाँ पर सीखते हो फिर उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, तभी आपका जो वर्ड्स है आपका रिटेन होगा, ठीक है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए, जो पहला वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। टॉर्पर है एक वर्ड, टॉर्पर, ठीक है, टॉर्पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल वर्ड है, लेकिन एसएससी में ये काफ़ी बार पूछा गया हुआ, ये वर्ड टॉर्पर वर्ड एक नाउन होता है, ये टॉर्पर वर्ड, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका, द स्टेट ऑफ बींग मोशनलेस और इनएक्टिव आप कह सकते हो। जैसे कि ये बेर जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या मूव कर रहा है क्या, नहीं, ठीक है, ये सो रहा है, लेटा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इस स्टेट को हम लोग कहेंगे टॉर्पर कहेंगे। तो अगर आप देखोगे इस स्टेट में क्या दिख रहा है, हमें लेजीनेस दिख रहा है, तो लेजीनेस भी एक तरह से इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेजीनेस मतलब कुछ कर नहीं रहा है, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में बस लेटा हुआ है। तो आपको देखेगा कुछ मोशन नहीं है, मोशनलेस है और इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। तो द स्टेट ऑफ बींग मोशनलेस और इनएक्टिव उसको कहेंगे हम लोग टॉर्पर, ठीक है, टॉर्पर। सिनोनिम्स को जान लेते हैं। लेथर्जी पहला वर्ड है, लेथर्जी भी आपके लेजीनेस से ही आता है ना, लेथर्जी, या फिर इसका जो एडजेक्टिव होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेथर्जिक कहते हैं हम लोग, एडजेक्टिव को कहते हैं हम लोग लेथर्जिक, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट अच्छा वर्ड है काफ़ी, लैंगर, लैंगर ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है लैंगर, और कभी कभार हमें याद नहीं आता इसका मीनिंग, तो इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है, कि लेथर्जी लैंगर दोनों एल से ही है, तो लेथर्जी लैंगर, या फिर स्लगिशनेस। स्लगिशनेस मतलब होता है कि जो स्लो होते हैं उसको भी कहते हैं हम लोग स्लगिश कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे नाउन है तो स्लगिशनेस आ जाएगा। या फिर और एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, डैट इज कॉल्ड स्लॉथ, SLOTH, ठीक है, SLOTH, स्लॉथ जो है वो नाउन है, ठीक है, वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो लेथर्जी एक वर्ड हो गया, नेक्स्ट लैंगर हो गया, स्लगिशनेस एंड स्लॉथ, ये सारे क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे, पैशन। आप मेरे को ये बोलो कि ये पर्सन, क्या आपको इसके अंदर पैशन दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर कोई पैशन नहीं है, ही इज नॉट एट ऑल पैशनेट, ठीक है, बस सोया हुआ है, तो इसलिए वो एंटोनिम हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा पैशन। या फिर लिवलीनेस, ठीक है, लिवलीनेस मतलब एक्टिवनेस, ओके। या फिर विगर, विगर मतलब क्या होता है कि फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। या फिर आप और अच्छे वर्ड्स नोट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे वाइटलिटी, ठीक है, ये भी एंटोनिम हो जाएगा वाइटलिटी। या फिर एक और अच्छा वर्ड है जैसे कि स्पिरिटेडनेस, ठीक है, स्पिरिटेडनेस भी अच्छा वर्ड है जो इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके, पैशन, लिवलीनेस, विगर, वाइटलिटी, स्पिरिटेडनेस, ये क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, किसके, टॉर्पर वर्ड के, ठीक है। इनमें से भी सब कुछ क्लियर है। सेंटेंस देख लेते हैं कि मेनी वोटर्स आर इन पॉलिटिकल टॉर्पर एंड रेयरली गो टू द पोल्स, मतलब उन लोग इनएक्टिव है, उन लोगों ने डेमोक्रेसी, ठीक है, उन लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया उन लोगों ने, ठीक है, तो उनको मन नहीं करता है कि वोट करने का, उनको लगता है कि जो भी जीत के आएगा वो कुछ नहीं करेगा, तो इसलिए एक कह सकते हो कि आप पॉलिटिकल टॉर्पर कह सकते हो, पॉलिटिकल इनएक्टिवनेस, पॉलिटिकल मोशनलेस, फाइन, विदाउट एनी मोशन। तो मेनी वोटर्स आर इन पॉलिटिकल टॉर्पर एंड रेयरली गो टू द पोल्स, तो ये हो गया इसका यूसेज, फाइन। तो जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कर्ट, ठीक है, तो जितना छोटा वर्ड है उसका मीनिंग भी वैसा है कि स्पेयरिंग इन द यूज ऑफ वर्ड्स, मतलब बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करने को हम लोग कहते हैं कर्ट, CURT, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, के से स्टार्ट होता है, मतलब KURT, प्रोनाउंसिएशन इसका यही है कर्ट। जितना छोटा वर्ड है दैट मीन्स उसका मीनिंग भी वही है कि स्पेयरिंग इन द यूज ऑफ मोर वर्ड्स, मतलब बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करना, उसी को कहते हैं हम लोग कर्ट, CURT, कर्ट, ओके। स्पेयरिंग इन द यूज ऑफ वर्ड, स्पेयरिंग मतलब बख्शना, ठीक है, कम करना, बख्शना, उसको कहते हैं हम लोग स्पेयरिंग। तो इन द यूज ऑफ वर्ड्स मतलब बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करना, जितना चाहिए उतना ही यूज करना, उससे ना ज्यादा ना कम, फाइन, कट। जैसे कि यहाँ पे इमेज में क्या है, लेस इज मोर। अगर आप बहुत, सपोज एक आप कोई आंसर लिख रहे हो, ठीक है, फालतू का उसको लंबा मतलब लिखने से अच्छा आप क्रिस्प वे में लिख दो, जो उसका एसेंस है उसको आपने अगर एक्सप्रेस कर दिया वो सफिशियंट है एग्जामिनर को एक्सप्लेन करने के लिए, आपको उसके ऊपर नॉलेज है, तो उसको कहेंगे हम लोग कर्ट, फाइन। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। टर्स, ठीक है, टर्स ये काफ़ी बार आ चुका है वर्ड टर्स, ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड है टर्स एंड कर्ट, दीज आर सिनोनिम्स, फाइन। दैट मीन्स यूज मतलब बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करना, उसको कहते हैं हम लोग टर्स। या फिर कंसाइज, ठीक है, कंसाइज शॉर्ट रखना, लेकॉनिक, ठीक है, तो कर्स, टर्स एंड लेकॉनिक, दीज आर वेरी गुड वर्ड्स, ओके। या फिर आप इसको भी लिख सकते हो ब्रीफ, ठीक है,
ब्रीफ भी अच्छा वर्ड है जो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो टर्स, कंसाइज, लेकोनिक, ब्रीफ, दीज आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर कम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर ज़्यादा शब्द यूज़ करें तो वो क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा। जैसे कि आपका वर्बोस, ठीक है, वर्बोसिटी इसका क्या होता है, इसका नाउन होता है जिसका मतलब क्या होता है कि यूज़ ऑफ एक्सेस वर्ड्स, फाइन, एक्सेस वर्ड्स। या फिर वर्डी, ठीक है, वर्ड, वर्ड से वर्डी आता है तो वर्डी हो गया। बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक, ठीक है, तो बॉम्बास्टिक मतलब आपका क्या होता है कि बहुत सारा वर्ड यूज़ करना, ठीक है, हाई फाई वर्ड्स को यूज़ करना, फाइन। तो वर्बोस हो गया, वर्डी हो गया एंड बॉम्बास्टिक, ये क्या हो जाएंगे आपके एंटोनिम हो जाएंगे कर्ट वर्ड के, फाइन। एंड यूसेज क्या हो जाएगा, व्हेन सी इज एंग्री सी ओनली गिव्स कर्ट रिस्पॉन्स, दैट मीन्स व्हेन सी इज एंग्री सी स्पीक्स लेस, बहुत कम बोलती है वो, बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो कर्ट, आई थिंक इट्स क्लियर, स्पेरिंग इन द यूज ऑफ वर्ड्स। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, टर्स, कंसाइज, लेकोनिक, ब्रीफ। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, वर्बोस, वर्डी, बॉम्बास्टिक एंड दिस इज द यूसेज, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, टेंटामाउंट। टेंटामाउंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और टेंटामाउंट के बाद आपका प्रीपोजिशन आता है आपका टू, टेंटामाउंट, टेंटामाउंट टू, ओके, टेंटामाउंट टू। टेंटामाउंट टू का मतलब पता होता है कि इक्वल टू, ओके, टेंटामाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू या फिर इक्विवेलेंट टू, ठीक है, इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट एज इन वैल्यू, फोर्स, इफेक्ट एक्सेट्रा, ओके, इक्विवेलेंट एज इन वैल्यू, फोर्स, इफेक्ट एक्सेट्रा, दैट मीन्स इक्वल टू समथिंग। जैसे कि अगर मैं, अगर यहाँ पे अगर आपका इमेज लिखा हुआ है टेंटामाउंट, दैट मीन्स इक्वल अमाउंट, टेंटामाउंट दैट मीन्स इक्वल अमाउंट, टेंटा मतलब इक्वल मान लीजिए, ठीक है, टेंटा मतलब क्या हो गया, इक्वल अमाउंट, व्हाट समथिंग इज इक्विवेलेंट टू इन वैल्यू और फोर्स, जैसे कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट इंटू स्क्वेयर, तो एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू, ओके, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन ओनली कि एम सी स्क्वेयर, ठीक है, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, दैट मीन्स E इज इक्विवेलेंट टू एम सी स्क्वेयर, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वेयर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टेंटामाउंट। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे टेंटामाउंट टू के, टेंटामाउंट का अलाइक, अगर इक्वल है, इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स व्हाट, अलाइक है, सिमिलर है, ठीक है, या फिर आइडेंटिकल, फाइन, इक्वल टू है, इक्विवेलेंट टू है, दैट मीन्स व्हाट, थिंग्स आर आइडेंटिकल, सेम है, जैसे कि यहाँ पे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ठीक है, तो आइडेंटिकल है मतलब ये दोनों चीज़ें, फाइन, या फिर कमेंसुरेट, दैट मीन्स प्रोपोर्शनेट, कमेंसुरेट बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको भी मार्क कर लीजिए आप लोग, कमेंसुरेट दैट मीन्स व्हाट, प्रोपोर्शनेट टू, तो अलाइक, आइडेंटिकल, कमेंसुरेट, ये क्या हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अगर इक्वल है तो ऑपोजिट अगर हो गया तो क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, फाइन, तो ऑपोजिट, रिवर्स, डिफरेंट, सो दीज आर द वर्ड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड टेंटामाउंट, ऑपोजिट, रिवर्स, डिफरेंट, फाइन, ओके, ऑपोजिट, रिवर्स, डिफरेंट, फाइन, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर और अच्छे अच्छे और भी वर्ड्स यूज कर सकते हो, पोलर, पोलर ये भी हो जाएगा, ठीक है, पोलर दैट मीन्स वर्ड आइडेंटिकल नहीं है, ऑपोजिट पोल्स में रहते हैं, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑपोजिट, रिवर्स, डिफरेंट, पोलर। यूसेज क्या हो जाएगा, टू लीव ए डॉग इन ए हॉट कार इज टेंटामाउंट टू टॉर्चर, दैट मीन्स अगर आप एक कुत्ते को मतलब एक गाड़ी में आपने छोड़ के चले गए, फिर विंडो बंद कर दिया, तो अंदर काफ़ी गर्मी होती है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू अ टॉर्चर, आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू, ओके, या फिर आइडेंटिकल टू, कॉमेंसरेट टू, या फिर अलाइक, ठीक है, मतलब क्या, टॉर्चर, फाइन। तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है विट्रियोलिक। विट्रियोलिक मतलब विट्रियोल जो वर्ड है, आप सल्फ्यूरिक एसिड को आप बोलते हो विट्रियोल, ठीक है, विट्रियोल, विट्रियोल मतलब क्या होता है आपका एसिड, ओके, एसिड, विट्रियोल, ठीक है, विट्रियोल मतलब एसिड होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, तो अगर एसिड है तो वो क्या होगा वो चीज़, ठीक है, काफ़ी मतलब कैसा होगा वो चीज़, कड़वा होगा काफ़ी, ठीक है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा वो, ठीक है, एनाहिलेट कर देगा एक तरह से, तो विट्रियोलिक फिल्ड विद बिटर क्रिटिसिज्म, ठीक है, आपके हाथ में कोई एसिड गिरा दे तो आपको कैसा लगेगा, आपको वैसा ही लगेगा जो आपको कभी कभार कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करे, ठीक है, वो फिजिकल पेन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मेंटल उसको कह रहे हैं, मेंटल पेन को कह रहे हैं थोड़ा सा, तो विट्रियोलिक मतलब क्या होता है, फिल्ड विद बिटर क्रिटिसिज्म, फिल्ड विद बिटर क्रिटिसिज्म या फिर मैलिस, फाइन, या फिर मैलिस, उसको कहेंगे हम लोग विट्रियोलिक, फिल्ड विद बिटर क्रिटिसिज्म और मैलिस। वर्ड्स हमारे पास, सिनोनिम्स हमारे पास क्या, हमारे पास एक तो क्या, स्कैथिंग, स्कैथिंग रिमार्क, दैट मीन्स जिसमें आपका जो रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग स्कैथिंग रिमार्क, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाए उसको कहते हैं हम लोग स्कैथिंग, या फिर पग्नेशियस, ठीक है, पग्नेशियस बहुत ही अच्छा वर्ड है, कॉस्टिक भी अच्छा वर्ड है, आप और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख सकते हैं, एक तो हो गया आपका एक्रीमोनियस, फाइन,
एक्रिमोनियस वर्ड का भी मीनिंग यही होता है, प्लीज डू राइट दिस वर्ड, बहुत ही अच्छा वर्ड है एक्रिमोनियस, जिसका मीनिंग क्या होता है विट्रियोलिक, या फिर और भी अच्छे वर्ड जैसे कि आपका एसर्बिक, ठीक है एसर्बिक, तो एक्रिमोनियस, एसर्बिक, स्कैथिंग, पग्नेशियस, कॉस्टिक, सो दीज आर द वर्ड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड विट्रियोलिक, स्कैथिंग, पग्नेशियस, कॉस्टिक, एक्रिमोनियस, एसर्बिक, फाइन, तो ये क्या हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके विट्रियोलिक के, एग्रीएबल, क्रिटिसिज्म में आपको क्या होता है कोई बंदा आपके मतलब आपके एंटी होता है, ठीक है आपके अगेंस्ट में होता है, अगर एग्रीएबल पर्सन हो गया तो आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, तो इसलिए एग्रीएबल इज द एंटोनिम, या फिर आपका पीसफुल, ठीक है पीसफुल, क्रिटिसिज्म मैलिस में क्या है आपका हिंसा है काफ़ी, वायलेंस एक तरह से कह सकते हो आप, तो पीसफुल या फिर हारमोनियस, ठीक है तो हारमोनियस, पीसफुल, एग्रीएबल, सो दीज आर द वर्ड्स एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड विट्रियोलिक, फाइन, एग्रीएबल, पीसफुल एंड हारमोनियस। नेक्स्ट ये आपका इमेज है जिसमें एक स्नेक को दिखाया जा रहा है, तो स्नेक का जो आपका जो जहर निकलता है वो क्या होता है काफ़ी एसिड की तरह मान लीजिए आप, ठीक है पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, एनाइलेट कर देता है, फाइन, तो यूसेज क्या हो जाएगा, योर विट्रियोलिक कमेंट्स अबाउट हर ड्रेस हर्ट हर फीलिंग्स, ठीक है तो ड्रेस कुछ ऐसा पहना होगा तो इसने कुछ कमेंट कर दिया तो जिसके कारण वो हर्ट होगी काफ़ी, तो विट्रियोलिक कमेंट्स मतलब क्या है जिसमें काफ़ी बिटर क्रिटिसिज्म हो, ठीक है ओके। तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है विशिएट, ठीक है विशिएट इज अ वर्ब, विशिएट काफ़ी अच्छा वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है टू स्पॉयल और इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ समथिंग, ठीक है अगर आप किसी चीज़ के क्वालिटी में आप उसके क्वालिटी को आप घटा रहे हो, ठीक है आप उसके क्वालिटी को आप रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है उसको कहेंगे हम लोग विशिएट करना, फाइन विशिएट करना, जैसे कि स्पॉयल और इम्पेयर द क्वालिटी और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ओके एफिशिएंसी पे अगर घटाओगे तो उसको हम लोग बोलेंगे हम लोग विशिएट करना, या फिर किसी का क्वालिटी कम करने को भी कहेंगे हम लोग विशिएट करना, फाइन, टू स्पॉयल, टू मार, ठीक है एम ए आर ये भी हो सकता है, ठीक है एम ए आर, स्पॉयल, इम्पेयर, मार द क्वालिटी और द एफिशिएंसी ऑफ समथिंग, उसको कहेंगे हम लोग विशिएट, फाइन। जैसे कि आपके इस इमेज में, ठीक है अगर आप थोड़ा सा भी इसको काट दो तो इस रोप का जो स्ट्रेंथ है वो घटेगा कि नहीं, थोड़ा सा आप इसमें कट कर दो आप तो इस रोप का जो स्ट्रेंथ है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें रिडक्शन हो जाएगा, तो इससे जो क्वालिटी है उसका कम हो जाएगा, दैट मीन्स ये जो एक्शन है वो क्या कर रहा है, विशिएट कर रहा है इस रोप के स्ट्रेंथ को, ठीक है तो उसको कहेंगे हम लोग विशिएट करना, ओके यहाँ पे, फाइन। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपको, क्वैश करना, ठीक है क्वैश करना, या फिर निगेट करना, ठीक है या फिर अंडरमाइन करना, या फिर और बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रॉय करना ये भी हो जाएगा आपका, आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा, या फिर एनाइहिलेट करना, ठीक है सो दीज आर द वर्ड सिनोनिम्स, क्वैश करना, निगेट करना, अंडरमाइन करना, क्वैश, निगेट, अंडरमाइन, डिस्ट्रॉय, सो दीज आर द वर्ड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड विशिएट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर आप क्वालिटी को घटा रहे हो दैट मीन्स आप उसको क्या कर रहे हो, आप बिल्ड थोड़ी कर रहे हो उसको, तो आप गिराने की कोशिश कर रहे हो ना, तो बिल्ड करना या फिर कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना या फिर कंस्ट्रक्ट करना, एस्टैब्लिश करना, गार्ड करना, ये क्या हो जाएगा आपका, ओके इम्प्रूव करना, सो दीज आर द वर्ड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड विशिएट, ओके बिल्ड, गार्ड, एस्टैब्लिश या फिर कंस्ट्रक्ट, इम्प्रूव, ठीक है एमिलियोरेट, सो दीज आर द वर्ड अदर, यू कैन से अदर एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड विशिएट, फाइन। एंड सेंटेंस क्या हो जाएंगे, चेंजेस एट दिस पॉइंट में एक्चुअली विशिएट द एंटायर सिस्टम, ठीक है इस चेंज मतलब इस पॉइंट में चेंज नहीं करना चाहिए, अगर हमने चेंज कर दिया इस पॉइंट में तो क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम जो है उसका जो क्वालिटी है, उसका जो एफिशिएंसी है वो घट जाएगा, और उसी का मीनिंग होता है विशिएट, ठीक है किसी चीज़ का क्वालिटी या फिर एफिशिएंसी को घटाना उसको कहते हैं हम लोग विशिएट करना, फाइन। आगे बढ़ते जो वोकैब टेस्ट है इसको अटेम्प्ट कीजिए, फाइन। तो चलिए जो पहला वर्ड है हमारे पास टॉर्पर, टॉर्पर हमने अभी पढ़ा था कि लेथर्जी मीनिंग करते हैं, लेथर्जी या फिर लैक ऑफ मूवमेंट, मोशनलेस, ओके उसको कहेंगे हम लोग टॉर्पर, या फिर स्लगिशनेस मैंने बोला था आपको, या फिर लैंगर, लैंगर भी अच्छा वर्ड है लैंगर, ओके तो लैंगर, एल ए एन, ओके लैंगर, तो एक ही वर्ड हमारे पास, डी स्लगिशनेस इज द आंसर, डी स्लगिशनेस इज द आंसर टॉर्पर का, फाइन। नेक्स्ट विशिएट, अभी लास्ट वर्ड जो था वही विशिएट था, टू इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ, या फिर एफिशिएंसी ऑफ, ठीक है इफेक्टिवनेस ऑफ, देखते हैं, या फिर निगेट, निगेट करना इज द ऑप्शन, ठीक है सी ऑप्शन इज व्हाट, निगेट इज द राइट ऑप्शन, निगेट करना, अंडरमाइन करना, वीकेंड करना, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। कर्ट हमने पढ़ा था कि बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करना तभी ये वर्ड आपका छोटा भी है, तो हमने पढ़ा था कि टर्स हो गया, या फिर लेकॉनिक, या फिर ब्रीफ, ये क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, हमारे पास वर्ड है लेकॉनिक, दैट मीन्स द बी इज द ऑप्शन, ओके बी लेकॉनिक इज द आंसर। नेक्स्ट टेंटामोंट, अभी हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट टू, आइडेंटिकल टू, अलाइक, कमेंसुरेट, प्रोपोर्शनेट, ठीक है सिमिलर, इक्वेंसी, ओके तो ऑप्शन क्या हमारे पास, आइडेंटिकल, फाइन आइडेंटिकल, तो आपका फोर टेंटामोंट का आंसर हो जाएगा ई, आइडेंटिकल इज द आंसर। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास वर्ड है ओके यहाँ पे आर आना चाहिए यहाँ पे विट्रियोलिक, फाइन। विट्रियोलिक हमने क्या पढ़ा था, लाइक एसिड, ठीक है बिटर क्रिटिसिज्म यू कैन से,
तो ऑप्शंस हमारे पास क्या है, एक ही वर्ड हमारे पास पग्नेशियस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, या फिर हमने पढ़ा था एक्रीमोनियस, एसर्बिक, ठीक है, कॉस्टिक, बाइटिंग कह सकते हो आप. सो दीज आर द वर्ड, ओके, सो दीज आर वोकैबुलरी, फाइन. सो टॉर्पर क्या हो जाएगा, स्लगिशनेस, स्लो. विशिएट क्या हो जाएगा आपका, निगेट करना, अंडरमाइन करना, वीकेंड करना. कर्ट क्या हो जाएगा आपका, टर्स, लेकॉनिक, ब्रीफ यू कैन से. नेक्स्ट अंटा मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल टू, इक्विवेलेंट टू, ओके, या फिर आपका एलाई, सिमिलर. नेक्स्ट विट्रियली मतलब क्या होता है आपका, पग्नेशियस, फाइन. एसिडिक यू कैन से एसर्बिक, एक्रीमोनियस, कॉस्टिक एक्सेट्रा. ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे. डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स. ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू.